हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंडल किचन। आज की मेरी रेसिपी है मिल्की कढ़ाई पनीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लेंगे पहले एक पैन में 4 से 5 बड़ा चम्मच तेल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। और इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के अनियन को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसके साथ में ही लहसुन को भून के और ग्रेवी बना सकते हैं टमाटर के साथ में। मैं आगे लहसुन पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने अभी लहसुन को यहाँ पर अवॉइड किया हुआ है। प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है, अब हम इसको निकाल कर और 3 टमाटर लेंगे, उसके साथ मिक्स करके एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स, प्याज टमाटर को हमने यहाँ पर अच्छे से पीस लिया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। इसके लिए हमने बचे हुए तेल में डाला है 1 टीस्पून के करीब जीरा। जीरे को भून लेंगे। जीरे को भूनने के बाद डालेंगे इसमें 1 तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डालने के बाद डालेंगे हम इसमें 4 से 5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1/4 चम्मच। चलिए अब डालते हैं अपने पिसे हुए मसाले, जिसके लिए पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब हल्दी और 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वन टीस्पून धनिया पाउडर। करीब 1/2 टीस्पून डालेंगे हम गरम मसाला। अब हल्का सा मसाला भूनकर हम इसमें अपना प्याज टमाटर का जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसको मिक्स कर देंगे और इसको करीब 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रहे हमने अपना प्याज को पहले ही भून के डाला हुआ है ग्रेवी में, तो इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, सिर्फ टमाटर को हमको पकाना है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और कसूरी मेथी। फ्रेंड्स, मैं कसूरी मेथी ग्रेवी बनाने के टाइम में ही डाल देती हूँ, इससे इसका फ्लेवर और स्मेल दोनों अच्छे से आता है। आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, जैसे काफ़ी लोग ग्रेवी बनने के बाद में भी डालते हैं। अब हम इस ग्रेवी को कुक करेंगे करीब 5 मिनट्स के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर, जो मैंने करीब लिया है 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। और फिर इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च। और 1 स्पून गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर ऑप्शनल है, मैं इसको ज़्यादातर अपनी हर सब्जियों में डालती हूँ, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। फ्रेंड्स, अब मैं डालूंगी इसमें 1 स्पून के करीब अमचूर पाउडर। और 1/2 टीस्पून के करीब शुगर। शुगर डालने से हमारी ग्रेवी का जो टेस्ट है वो बैलेंस रहेगा। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 चम्मच घी, जो हमारे ग्रेवी के टेस्ट को और बढ़ाएगा।
अब इसको अच्छे से मिक्स करके आप 4 से 5 मिनट के लिए इसको मीडियम गैस पे पकने दीजिए। चार से पाँच मिनट पकने के बाद में अब बारी आती है इसमें मिल्क को डालने की। जी हाँ फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी 2 कप मिल्क। कुछ लोग सोच रहे होंगे सब्जी में मिल्क हम डालेंगे तो मिल्क फट भी सकता है, क्योंकि मैंने सॉल्ट वगैरह सब कुछ डाल रखा है। पर फ्रेंड्स देखिए, आप यहाँ पर ये मिल्क फटेगा नहीं, बल्कि ये हमारी जो ग्रेवी है उसको स्मूथ टेक्स्चर और देगा। फ्रेंड्स आपको कंटिन्यूसली चलाने की ज़रूरत नहीं है ग्रेवी को, बस बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा सा इसको हिलाते रहिए, जैसे कि ग्रेवी बॉटम में लगे नहीं। बस यहाँ आपकी ग्रेवी अब थोड़ा सा टाइम लेगी थिक होने में, करीब 10 से 15 मिनट, पर आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज और लाल हरा शिमला मिर्च। रेड कैप्सिकम इसमें ऑप्शनल है फ्रेंड्स, पर आप इसमें ग्रीन का यूज जरूर करें। और एक चीज का ध्यान और रखें फ्रेंड्स, ये हमको सब्जियां इसी टाइम पर डालनी है जब हमारा पूरा ग्रेवी का प्रोसेस 90% कंप्लीट हो जाए। अगर हम ये सब्जियां पहले डाल देंगे तो ये बहुत जल्दी से इसमें घुल जाएंगे। हमको इनको घोलना नहीं है, थोड़ा सा क्रंची रखना है। अब हम इसमें डालेंगे अपने पनीर के क्यूब्स। पनीर के क्यूब्स डाल के आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम स्लो गैस पर कुक कर लीजिए। फ्रेंड्स लीजिए, हमारा मिल्की कढ़ाई पनीर तैयार है। अब आप इसको एक बाउल में निकाल लीजिए और फ्रेश क्रीम के साथ में इसको गार्निश कीजिए और सर्व कीजिए। आई होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।